हेलो गाइस, वेलकम एंड लेट्स प्ले ट्रेन सिमुलेटर 2022 कामायनी एक्सप्रेस पार्ट 3 इन WCR वर्जन 1 बाय HR गेम वर्ल्ड। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं इस जर्नी को। वन वन ज़ीरो सेवन वन लोकमान्य तिलक वाराणसी कामायनी एक्सप्रेस पार्ट 3 हम अभी कंटिन्यू करते हैं। चलो बहुत बढ़िया बात है। अपूर वेलकम, टेक इंडिया ब्रो वेलकम। क्वालिटी में देख लेता हूँ। यस, 1440p दिखा रहा है। सो लेट्स रिज्यूम दिस सिनेरियो। जैसे मुझे क्या आए हो और क्या इसके लास्ट फ्री में तो भाई साहब कुछ अलग ही नशे में थे। सर इस गाइस ETS 2 यानी यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 में डिस्काउंट्स चालू है। इस गेम में वैसे डिस्काउंट्स है बट अभी तक वो आए नहीं जो अपने इंडियन को फ़ायदे होंगे। सो फॉरेन रूट्स ले सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, बिकॉज मैं तो फॉरेन रूट्स खेलता रहता हूँ। सेकेंड चैनल पर नेक्स्ट वीक बहुत वीडियोस आएंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक भी बहुत सारे वीडियोस का प्लान किया है मैंने, क्योंकि सेकंड चैलेंज पे यूजुअली धमाके पॉइंट्स मिलते हैं। एनजे ट्रांजिट ट्रेल्स फ्रॉम 40 ईयर कैरियर, क्या बात है, इतने सारे स्पॉन्सरशिप्स मिले उन्हें इसमें। हेलोविन सेल इज नाउ ऑन गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। हेलोविन हेलोविन इज ऑन। चलिए शुरू करते हैं। यस, तो ट्रेन में ऑब्वियसली इमरजेंसी ब्रेक्स लगेंगे बिकॉज हमने इसे रिज्यूम किया है। गला भी खराब हो गया लोकोमोटिव का। तो देखो भाई पेंटोग्राफ डाउन है, इस वजह से ऐसा हुआ है। चलो लोकोमोटिव को स्टार्ट करते हैं। और गाइस विंडोज 11 में जैसे कि मैंने बताया ये साउंड का प्रॉब्लम है। फ्रंट में देखो साउंड इतना नहीं आ रहा है। तो अभी पेंटोग्राफ ऊपर कर लेते हैं। जो जब भी आप रिज्यूम करोगे कोई सिनेरियो को आपको ये एरर हमेशा आएगा, यानी रिज्यूम करेंगे वो भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ, तो लोकोमोटिव ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो उसे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए देखो स्टार्टिंग में लोकोमोटिव में एमरजेंसी ब्रेक लग चुका था। ओके, सो लोकोमोटिव हमारी रेडी है। साउंड इश्यूज इग्नोर, विंडोज 11 का अलग ही नशा है इसमें, पर वो मेरे कैसे फिक्स हो जाएगा। ओके ब्रो, हमारा अगला स्टेशन है झुके ही, 2 किलोमीटर आगे ही है वो। तो वी आर ऑलमोस्ट एट द आउटर ऑफ झुके ही स्टेशन। साउंड्स का बता देना, आई थिंक सो एक मुझे चेंजेस भी करना है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ दिखाई, जिसको मैं सही कर देता हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। अपना शक्ल भी थोड़ा कम छोटा कर लेता हूँ यार, बहुत ही बड़ा दिख रहा हूँ। ठीक है, और ये देखूँ तो ठीक है, लेंस सही दिख रहा है कैमरे का, भाई ये सब चीज़ देखना पड़ता है। और यस, मुझे गेम का साउंड थोड़ा हल्का सा कम करना है, नहीं तो मालूम पड़ा भाई अलग ही लॉल हो जाता है मेरे साथ। ओके, सो वी आर रेडी, लेट्स रिज्यूम। ओके जयदीप ब्रो, सो झुके ही पे हम लोग को रुकना है कुछ देर के लिए,
10:10 पे पहुंचना है और 10:08 हुआ है, 2 किलोमीटर बाकी, गाड़ी एकदम परफेक्ट टाइम पे चल रही है। इसके बाद हमें मैहर रुकना पड़ेगा जो कि एज़ पर दी मैप 47 किलोमीटर्स दूर है, और उसके बाद 11:37 पे हम रुकेंगे सतना, 82 किलोमीटर्स दूर है। तो बस आज सतना तक हम गाड़ी को पहुंचा देंगे। सो गाइस, जो एरो मार्क है हमें वहीं पे ट्रेन को रोकने का है। उस एरो मार्क पे मैं इस लेवल क्रॉसिंग का इंतज़ार कर रहा हूँ कि लेवल क्रॉसिंग भी खुल गया है, और आप देख रहे होंगे नीचे ट्रैक मॉनिटर पे एक एरो मार्क है, हमें डॉट वहीं पे लोकोमोटिव को रोकने का है। सो ये हमारी कामान एक्सप्रेस आ गई है जो कई स्टेशन पे, यहाँ पे हमें साइडिंग पे रुकना है, आई थिंक सो नॉन ऑफिशियल स्टॉप है। और जैसे कि हमें इंस्ट्रक्शंस मिला था हमें ठीक उस एरो के आगे रुकना है। देखो यहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल भी है, ये पास में एक वाईफाई है, ये भाई साहब वहाँ पे जाएगी। हेलो स्वदीन भाई, थैंक्स अ लॉट, वेलकम टू पैसेंजर 28 ब्रो। सो गाइस, जैसे कि टाइटल बता रहा है, यूनिक गेमर भाई का ही ये सिनेरियो है, आज हम सतना तक गाड़ी को पहुंचा ही देंगे। और क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म पे नहीं यानी साइडिंग में रुकना एक तरफ से, तो इसलिए हमें उस एरो मार्कर तक ले जाना, विच इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट। और साउंड का अभी फ़िलहाल मैं जैसे कि बताया थोड़ी देर पहले भी, साउंड को इग्नोर करना, वो भाई साहब अपने अलग ही नशे में, बिकॉज विंडोज़ 11 का अलग ही फंडा चलता है साउंड्स को लेकर। और परफेक्ट स्टॉप करना है अभी हमें, बस यहीं पे रुक जा काके। सो अभी हम रुकेंगे, ये सेल्स मेंबर्स ओनली रहेगा, बेसिकली सेल पे मेंबर्स ऑन प्रायोरिटी ज़्यादा रहेंगे। हाँ नहीं, वो तो बहुत हेल्पफुल बंदे हैं सुरेंद्र जी, यस यस थैंक यू। 11 मिनट्स हॉल्ट हियर, गोंडिया बरौनी स्पेशल भी हमें यहाँ पे ओवरटेक करेगी, तो पहले अपना भाई साहब वेब फाइव वाला जाएगा, उसके बाद पीछे से बरौनी एक्सप्रेस आ रही है, देखते हैं कितना दूर है भाई साहब। कुछ ज़्यादा ही पीछे ही चला गया मेरे ख्याल से, उस पोर्टल से स्पॉन होएगा। अच्छा, तो मैहर पे आ गया मैं नशा अलग से ही हो गया। सो यस, हमारी ट्रेन यहाँ पर है झुके ही पे, और पीछे से अभी हमें देखिए ये गोंडिया बरौनी स्पेशल आ रही है, हमें इस ट्रेन के ओवरटेक का भी वेट करना पड़ेगा, उससे पहले ये भाई साहब को जाना पड़ेगा ताकि ये लाइन क्लियर हो जाए इसके लिए। एंड सी यहाँ पे वैग 9 ट्विंस भी दिखाया गया है, स्टैटिक्स भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, दैट्स अप्रिशिएटेड, और ये हमने लास्ट वीडियो में भी दिखा था। चल भाई निकल निकल निकल,
ई टेस्ट में यस मज़ा आएगा। फ्री वेयर बस मैंने लिंक्स दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। बिफोर 5 एटलीस्ट डाउनलोड कर लो मापा मैप, जो मापा मैप नहीं ठीक है, माप मैप, मापा मापा मतलब मैप ही होता है, ई ए ए वाला जो मैप है भाई, मोर देन 1 लाख किलोमीटर, मैं तो कहता हूँ 2 लाख भी हो सकता है, इतना बड़ा मैप है वो। और आज और कल मैंने प्लान किया घाट सेक्शन नहीं, हम लोग सिटी बाय सिटी जाएंगे। और कल 8400 वॉल्वो वाला बस हम लोग लेंगे, उस बस में हम लोग सिटी टू सिटी जाएंगे, मैन एक सिटी से दूसरे सिटी। और बस डिपोज भी गाइस बहुत ब्यूटीफुल है, मैं खुद देखा है, जर्नी काफ़ी बोलते ना एकदम मस्त जर्नी रहेगा अपना। ढाबे पे भी रुकेंगे, बस डिपोज में रुकेंगे, बस टर्मिनल्स में रुकेंगे और होटल्स में भी रुकेंगे हम लोग। और ये देखो भाई यहाँ से WDG 4DB क्रॉस कर रही है, बहुत अच्छा लगा। डाल दो ओवरटेक्स भाई, ओवरटेक्स इज अ मस्ट, क्रॉसिंग्स जैसा भी अब दिख रहा है हमें, ये भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ट्रेन को भगाना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, ट्रेन को वो चैलेंज मिलना ज़रूरी है। बिफोर टाइम पहुंचता है तो थोड़ी देर रुकेगी, ओवरटेकिंग्स होंगे, तो ये सब चीज़ में भी मज़ा आता है गाइस। जो एक रियल लोको पायलट का लाइफ होता है कि उसे पेशेंसली एकदम बोलते ना, फुल पेशेंटली उसको लोकोमोटिव के अंदर बैठ के सिग्नल का वेट करना है। हेलो पैडी धीरज ब्रो, वेलकम, स्वागत है भाई। सो देखो जैसे मैं पीछे की तरफ कैमरा करता हूँ तो साउंड ज़्यादा आता है, फ्रंट की तरफ करता हूँ तो साउंड बहुत कम आता है, तो ये विंडोज 11 का थोड़ा गड़बड़ है। यानी 56 AI ट्रेन भी गाइस बहुत बहुत ज़्यादा है, यानी ज़्यादा इन द सेंस होना भी चाहिए इतना अच्छा, क्योंकि गेम है यार। रियलिस्टिक के हिसाब से देखा जाए तो आपको एक घंटे का जर्नी में अप्रॉक्स 3, 4 या 5 या चलो मैक्सिमम 10 अगर आप सबअर्बन में ट्रेन चला रहे हो तो मैक्सिमम 10 ट्रेन आपको मिलेंगे। हाँ अगर वो जैसे मुंबई जैसे सिटी, कोलकाता या न्यू दिल्ली यानी एकदम बिजिएस्ट सिटीज़ में चलोगे तो 10 से 15 AI ट्रैफिक मिल जाएंगे, यानी जो बोलते हैं ना ट्रैफिक्स मिलेंगे आपको। लेकिन सच्ची 3-4 घंटे के जर्नी में हमें 56 AI ट्रेन्स मिल रहे हैं प्लस स्टैटिक्स अलग से। और गाइस मैं देखता हूँ बाद में टाइम मिला तो मैं आप लोग को ये भी दिखाऊंगा, अपना WDP 3 है, वैसे इसके पहले हमने प्रीमियर कर लिया था, तो सामने से वो ट्रेन भी दिख रही है मुझे जो ओवरटेक करने के लिए आ रही है, उसको सिग्नल मिला हुआ था इसलिए रुकी है पीछे, वो थोड़ा पीछे चल लेते हैं अपन। ये अपना लास्ट कोच आ गया, चलो ट्रेन से उतर के चलते हैं। धीरज ब्रो मैं समझा नहीं, कहानी कह लिया मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो। और गोंडिया बरौनी एक्सप्रेस भी पीछे से आने वाली है, तब तक हम इस भाई साहब का वेट करते हैं, ये भी जाएगा अभी, इसको सिग्नल मिला हुआ। लेकिन गाइस ये भी बहुत अच्छा चीज़ है, कभी कभी यहाँ पे क्रू चेंज भी होते रहते हैं मैंने सुना है। ये पता नहीं ये दूध का बॉटल कहाँ से आ गया था, यानी एक असेट मिसिंग होगा तो सुरेंद्र जी से पूछना पड़ेगा कि यहाँ पर ऐसा कौन सा असेट है जो मिसिंग बता रहा है। हाँ पी लो चाय पी लो, वैसे भी जब तक ओवरटेकिंग नहीं होगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे साउंड बिल्कुल कम हो गया है, पता ही नहीं चल रहा कि पास में एक ट्रेन खड़ी है। और यहाँ पे देखो तो देखो साउंड फुल आ रहा है। हाँ हाँ खाना खा लिया ब्रो, आई मीन नाश्ता किया अभी तक, मैं इतनी जल्दी नहीं खा पाता, अपना नाइट ड्यूटी है ब्रो, ये टाइम पे अपना नाश्ता होता है। देखो तभी शक्ल थोड़ी नींद वाली लगती होगी। एंड इस नेक्स्ट वीक से थोड़ा टाइमिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है हर महीने मेरे ऑफिस का टाइमिंग चेंज होता है, और अगले महीने का तो कुछ अलग ही लॉलवा सीन हुआ है। चलो इस बार हम लोग इस लेवल क्रॉसिंग से देखेंगे, काफ़ी लंबी ट्रैफिक हो जाएगी ही होगी। देखो भाई धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ रहा है इधर। ओके WDG 4D भाई साहब रेडी हो गए निकलने के लिए।
ये देखो, और ये गोंडिया बरौनी एक्सप्रेस भी है, ओवरटेक कर रही है हमें अभी आए, लवी क्रॉसिंग से पास होते हुए जा रही है गोंडिया बरौनी स्पेशल। नहीं बिल्कुल नहीं है भाई, आप इंस्ट्रक्शंस परफेक्टली डाल रहे हो। और बेस्ट पार्ट देखो, सिनेरियो स्टार्ट करने से जब हमने देखा होगा, जब मैं रिज्यूम क्लिक करता था उसके ऊपर समरी लिखा होता है, जो एक इन शॉर्ट में डिटेल्स होता है जिसमें लोगों को मालूम पड़ जाता है इंस्ट्रक्शंस पूरे जर्नी में क्या करना है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। ये देखो, ये भाई साहब ने अभी ओवरटेक कर दिया हमें। सो इस इंस्ट्रक्शंस आर इम्पोर्टेंट। टाइट बंद करो। सो ओवरटेकिंग हो गया है, बाकी इंस्ट्रक्शंस अगर परफेक्टली मेंशन रहता है तो उसमें सिनेरियो में की कोई गलती नहीं है, बिकॉज हमें सारे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे। अभी आपने भी 2 मिनट या 5 मिनट पहले देखा होगा, यहाँ पे लिखा था 11 मिनट का हॉल्ट है, 10:10 का टाइम था पहुँचने का, ऑलमोस्ट 11 मिनट हो रहा है, 10:21 पर हमें सिग्नल मिल जाएगा, जो कि येस मिल जाएगा क्योंकि ओवरटेकिंग होना है। और देखो भाई, सिग्नल भी मिल चुका है, येलो सिग्नल यहाँ पे आप देख रहे हो, तो अभी हम रवाना होते हैं, लेकिन 11 मिनट का है तो हम 11 मिनट ही पूरा कर देंगे। तब तक चलो लोकोमोटिव देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। और इसका मैं क्या, देखो अभी कैमरा पीछे की तरफ है, सो देखिए साउंड परफेक्ट क्लियर। अभी वही मैं कैमरा आगे करूँगा तो विंडोज़ 11 की बात करूँगा, जैसा नहीं कि सिनेरियो का एरर है, गेम का एरर है, ये विंडोज़ 11 का एरर है जो इस गेम के साउंड से कुछ मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वैसे भी बहुत पुराना डायरेक्ट एक्स यूज़ करता है, डायरेक्ट एक्स 9 यूज़ कर रहा है, तो अभी तक मुझे सिर्फ और सिर्फ यही गेम में इश्यूज़ मिले हैं और कोई भी गेम में मुझे अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया। तो ठीक 21 पे हम गाड़ी को रवाना करेंगे, एंड या वी गो। हाँ वो कर सकते हो ना, कर सकते हो प्रमोट, पब्लिक प्रमोशन कर सकते हो, वैसे भी मेंबर्स एंड मॉडरेटर्स ओनली है तो लोग अपने अपने चैनल्स को इजीली प्रमोट कर सकते हैं। जैसे नूडा भाई ने थोड़ी देर पहले बोला कि उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे 3 बेस्ट वीडियोस भेजे, मैं मेंबर्स लोग से हर महीने मांगता ही हूँ कि अपने 3 बेस्ट वीडियोस दो, मैं अपने कम्युनिटी में डाल दूँगा, यानी उनको थोड़ा व्यूज़ का फ़ायदा हो जाएगा, थोड़े सब्सक्राइबर्स के भी फ़ायदे हो जाएंगे। चलो यहाँ से देखते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे हमें ट्विन वैग 9 मिल रहे हैं। और ट्विन WDM 3Ds भी मिल रहे हैं, नहीं वो तो कोई बात नहीं। ट्रेन चल चुकी है दोस्त, ट्रेन में चढ़ जाने का टाइम पे। अगला स्टेशन मैहर है, ठीक 11 बजे हमें पहुंचना है, 45 किलोमीटर्स टू गो। तो एक गाड़ी का टाइमिंग ऐसा सेट है कि भाई जितना किलोमीटर्स अप्रॉक्स उतना ही टाइम मिलता है, शताब्दी दुरंतो राजधानी, इसमें जितना किलोमीटर होता है उसका हाफ तो नहीं कहूँगा, हाफ से थोड़ा ज़्यादा लोग का टाइम देता है, 100 किलोमीटर है तो उनको 60 मिनट्स टू 70 मिनट्स अप्रॉक्स देते हैं, क्योंकि वो लोग स्पीड उतना चलते हैं। ये भाई साहब एकदम आराम से भी चलेगा, बीच बीच में चेन पुलिंग भी होगा, जो कि कामायनी में मैंने सुना है चेन पुलिंग बहुत कॉमन है, तो कामायनी में चेन पुलिंग होता रहता है, तो वो गाड़ी लेट भी हो कोई गम नहीं। इंजन केबिन, चलो लेट्स गो टू इंजन केबिन। लेकिन गाइस देखो, इंजन केबिन में साउंड थोड़ा कम आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया विंडोज़ 11 में थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम है इस गेम को लेकर। अभी देखो सामने आपको इतना इंजन का आवाज़ नहीं आ रहा है, यही मैं कैमरा पीछे की तरफ तो घुमाऊँ, ये देखो कितना आवाज़ आ रहा है, जैसा हम लोग को विंडोज़ 10 में एग्जैक्ट आवाज़ आता है वैसे ही आवाज़ इधर आ रहा है, लेकिन विंडोज़ 11 में पीछे की तरफ कैमरा करना पड़ता है। और अब देखो अभी आ गया हूँ तो कितना शांत हो गया, तो इसलिए मैं अभी तक अवॉइड कर रहा था जा रहा था ये सब, बट ठीक है कोई गम नहीं, इंजन का भी हमने व्यू कर लिया आपके लिए।
इन ब्रेक्स को मैं टच नहीं करूँगा, लॉलवा हो जाएगा हमारे साथ। और देखो गाइस कितना सुपर्ब दिख रहा है 1440p में। देखना जिनके पास डेटा अच्छा है, ये अनलिमिटेड डेटा पड़ा है, 2 GB 3 GB वाला पड़ा है, 1440 में इस वीडियो को देखना, आपको बहुत बहुत मज़ा आ जाएगा। वेलकम वेलकम। चलो स्पीड अप कर लेते हैं, 110 का स्पीड लिमिट मिल चुका है। ओके ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स। स्पीडोमीटर देखो गाइस 1440 में आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर टाइप दिखेगा, मुझे एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, ऐसा लगा रियल लोकोमोटिव के अंदर ही बैठा हूँ। ओ भाई ये वैप 7 से ट्रेन गई है, एक नंबर। धीरे धीरे ट्रेन स्पीड अप लेते हुए, और मेरे ख्याल से एक्सपर्ट इंस्ट्रक्शन हमें 95 के ऊपर नहीं जाना है, तो 95 के ऊपर नहीं जाने दूंगा मैं, गया तो भी कम नहीं। तो ऑलमोस्ट 90 पे मैंने रोक दिया था। ये देखो कितना फर्क आ रहा है साउंड में। विंडोज 11 का थोड़ा फिलहाल ये सुन टेम्प्रेरी एरर होगा, रिपोर्ट तो मैंने उन लोगों को भेज दिया कि भाई मुझे ट्रेन से मीटर में ऐसा साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज़ फिक्स दिस। तो अपनी काम आया नहीं, मैं घर पे भी टाइम पे पहुंच जाएगी। बट यार स्वदीन भाई एक बस सजेशन था, इसमें चेन पुलिंग भी डाल देना। ये सुरेंद्र भाई बहुत रिसर्च करते हैं, वी डू अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स, कि काफ़ी नए नए कॉन्सेप्ट उन्होंने लाए हैं और इस गेम को एक अलग ही लेवल दिया, एक अलग रूप दिया है। जैसे चेन पुलिंग था, डोंट क्रॉस 95 अप टू नेक्स्ट स्टॉपेज, लॉल हमने 110 पकड़ लिया था, वो स्पीड अप के लिए मैंने किया है ताकि आप लोग स्पीड देख सको गाड़ी का, नहीं तो आएंगे ऐसे भाई 200 के स्पीड से भगा, 500 के स्पीड से भगा, वो अलग ही नशे होकर आ जाते हैं। चलो भाई झाड़ियों के बीच में से देख लेते हैं। एक नंबर, फुल झाड़ियों के बीच में से दिख रहा नज़ारा हमें। गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज देखते हैं अपन 100 लाइक पहुंच सकते हैं क्या, फिर धमाका पॉइंट, गारंटीड धमाका पॉइंट। पर स्ट्रीम लैब्स का लगी नशा है वो देखना पड़ेगा, पर मेरे ख्याल से दे देगा वो। सो ठीक है 95 में क्रॉस नहीं होना तो वो अभी नहीं किया है, और मेरे ख्याल से अगर हम स्पीड से जाएंगे तो गाड़ी बिफोर पहुंच जाएगी। 33 मिनट्स मोर टू गो एंड 40 किलोमीटर्स। मस्का है इस गाड़ी के लिए, एकदम बोलते हैं ना मस्का ही मस्का है। चलो थोड़े एसी में बैठते हैं। जब भी देखो सीधा कैमरा, उल्टा कैमरा करूँगा तो आप लोगों को साउंड में फ़र्क आएगा। देखो ये भी एकदम उल्टा ही करता है, ज़्यादा आवाज़ के बदले कम आवाज़ करता है। तो यस ये विंडोज 11 ठीक हो जाएगा आई थिंक सो। ट्रेन आ रही है कोई? यस वैग 9 के साथ एक सुपर फास्ट ट्रेन जा रही है। मैं गाड़ी को बीच में गाइस आराम से भी चला रहा हूँ बिकॉज हम लोग बिफोर टाइम रन हो रहे हैं, और स्पीड अगर बीच में हो भी या गलती से 100 150 150 तो नहीं गए, नहीं 100 110 तो भी ट्रेन कवर अप कर लेगी डिलेनेस को। पर अभी डिले गाइस बिल्कुल भी नहीं है,
बिफोर चल रही है इसलिए मैंने ट्रेन को थोड़ा स्लो किया है, क्योंकि तो एक स्पेसिफिक टाइम रहता है गाड़ियों का कि ये टाइम पे ही आपको ये क्रॉस करना है, वो टाइम पे आपको ये क्रॉस करना है। बाकी गाइस जो नए उन लोगों को बताऊंगा ट्रेन कामा यानी एक्सप्रेस हम चला रहे हैं WCR version 1 यानी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे version 1 रूट बाय HR गेम वर्ल्ड। मस्त AC में बैठ के मज़े लो इस गाड़ी का। गाड़ी देखो कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गई क्योंकि मैं थ्रॉटल नहीं दे रहा हूँ बिल्कुल भी। इस बीच में कोई गाड़ी मिलेगी अपने को, क्योंकि 59 AI ट्रेन से तो भाई बैक टू बैक हमें मिलते जाएंगे। पर ठीक है अगले समझो 5 मिनट तक हमें कोई AI ट्रेन नहीं मिलेगी, या चलो 3 मिनट तक हमें कोई AI ट्रेन नहीं मिलेगी। स्पीड अप कर लेते यार, अभी हम लोग स्टेशन पास ऑन भी देख लेंगे पकारिया रोड स्टेशन से। चलो पकारिया स्टेशन से हम नज़ारा देखते हैं। लेवल क्रॉसिंग भी है, स्टेशन भी है, तो चलो यहाँ से नज़ारा देख लेते हैं। IBS मोड यस, उन्होंने मेरे को कल रात को ही कांटेक्ट किया था और आई थिंक सो आज वो ट्रायल लेने वाले हैं या फिर कल भी एक ट्रायल लेंगे। उन्होंने कहा MP का हम लोग का ट्रायल लेना है, बहुत लेट हो गया था इसलिए उन्होंने कहा कि हम लोग बाद में ट्रायल लेते। तो आई थिंक सो यस SHD का उन्होंने मुझे कल ही बता दिया था। आई होप आपके स्किन्स भी उसमें यूज़ है, तो वेलकम कृष्णा ब्रो। Enjoy the video in 1440p and hit the like button if you like this video. और 11:37 पे हमें पहुँचना है। इट्स मोर देन 1 आवर वी हैव टू। एक घंटे के ऊपर है भाई अभी भी गाड़ी को पहुँचने के लिए सतना पे। पहले मैहर पहुँचेंगे हम लोग 11 बजे, उसके आधे घंटे के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे सतना, तो 1 घंटा अभी भी हमारे पास पड़ा है। ये अलग ही वाइब्स दे रहा है देखो ये जो घास है, इनका रिफ्लेक्शन थोड़ा अलग ही आ रहा है। तो आज देखते हैं, वैसे शाम को तो हम लोग जो एक बस नया वाला, मेरे को नाम याद नहीं आता है, वो ये फॉरेन बस होते हैं, तो आज हम वो बस खेलेंगे शाम को। उसके बाद देखते हैं, बाद में SSD का टाइम मिला तो उनका भी हम लोग MP खेल लेंगे ओनर के साथ। बाकी कल वॉल्वो 8400 हम लोग खेलने वाले हैं, जिन्होंने नहीं लिया है गो हैड एंड परचेज दी बस फ्रॉम दी ओनर। बाकी कॉज है वो एक बार ओनर से बात करके देख लो, क्योंकि भाई कल का मल्टीप्लेयर जो होएगा शाम को वो उसी बस के साथ होगा, धमाल रहेगा उस बस के साथ, क्योंकि हम लोग सिटी टू सिटी जाएंगे, बस डिपो से बस डिपो जाएंगे और ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स का रन रहेगा वो। बहुत मज़ा आएगा गाइस, ट्रस्ट में, सिटी बस, वो भी सिटी के अंदर चलाओगे आप, प्लस डिपो से डिपो जाते रहेंगे हम लोग, रेस्ट भी करेंगे, होटल्स भी जाएंगे, ढाबे भी जाएंगे और रेस्टिंग एरिया में बीच बीच में जाएंगे, अगर ज़्यादा बंदे हुए तो, कोई आगे चला गया हो, कोई पीछे चला गया हो यानी छूट गया हो, तो वेटिंग एरिया भी हम लोग रखेंगे। अच्छा HRC शर्ट देख लेते हैं, क्योंकि मैंने
गेम को थोड़े दिन पहले ही री इंस्टॉल किया था बिकॉज विंडोज 11 डाला है। देख लेते हैं एक बार, इटार सी शेड दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नहीं, इटार सी शेड नहीं दिख रहा है ब्रो। क्यों देखो, ओके ओके यहाँ पर है इटार सी शेड। यस यस, बट इज दिस इटार सी? लग तो रहा है ये जबलपुर लाइन हुआ है, ये लेफ्ट जा रहा है अपना भोपाल लाइन। इटारसी शेड इधर ही किधर है, और ये आई थिंक सो जवाहरपुर। अच्छा लोको में। ओ भाई साहब, ये तो इस बीच बीच में आप लोगों को रूट का वर्क भी दिख रहा है। ये मेरे ख्याल से इटारसी ही है क्योंकि ट्रैक्स भी बहुत सारे हैं। प्लस यहाँ से देखो लेफ्ट जा रही भोपाल लाइन जाता है, ये इटारसी शेड वाला लाइन है, और ये अपना जबलपुरा लाइन है जो आगे आगे होते होते अपने को यहाँ पे मिलेगा जबलपुर। ओके शेड में देखते हैं। यस इट्स इटारसी ब्रो, इटारसी शेड। WCR मतलब पश्चिम मध्य रेलवे, इटारसी वेब 7301। क्योंकि भाई देखो, अगर आप कोई सेट करते हो लोकोमोटिव का नंबर एंड शेड, वो सभी को मिलेगा। बाकी आप कोई रैंडम लेते नहीं, आप कुछ सेट ही नहीं करते हो तो हर एक को अलग मिलेगा। अभी जैसे मैं को समझो आपने सेट नहीं किया हो, तो आज हमें इटारसी दिख रहा है, नेक्स्ट रन में हमें कुछ भी मिल सकता है, यानी गाज़ियाबाद, वडोदरा, हावड़ा, कोई भी मिल सकता है हमें। तो अगर सिनेरियो में वो लोकोमोटिव सेट किया है तो यस आपको वही मिलेगा, वही रोड नंबर मिलेगा। ये मैंने कल ही एक जन को बताया था क्योंकि उन्होंने रिपेंट किया था, जिसमें मनु भाई ने रिपेंट किया था, तो उनको ही बता रहा था कि रोड नंबर तभी सेम रहेगा जब आप उसको असाइन करते हो। अगर आप असाइन नहीं करोगे तो हमेशा रैंडम लेगा। सो यस, इटारसी आपने देख लिया है। ओके दैट्स ग्रेट, इटारसी ही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसमें चेन पुलिंग भी डालते, क्योंकि गाड़ी हमारी वैसे ही बिफोर रन हो रही थी। 25 मिनट पड़े और 27 किलोमीटर हमारे पास अभी भी है। तो गाड़ी को मैंने एक बार चेन पुलिंग करा दिया है, इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया है। फ्लैशर जल रहा है क्या, या फिर जलाना पड़ेगा? पता नहीं, फ्लैशर नहीं जल रहा है, बट बेसिकली यहाँ पे फ्लैशर्स भी जलते रहते हैं इमरजेंसी दबाने पर। कैबिन स्टूडेंट भी जला लेते हैं, केबिन लाइट्स को जलाना नहीं है हमें। एक बार फ्लैशर देख लेते हैं क्या अपने पास। ये तो अपना केबिन लाइट हो गया है। खैर इन्हें तो ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे हम। चलो ब्रेक लीज कर लेते हैं, गाड़ी को रवाना करते हैं। इसमें तो आराम से गाड़ी चलानी है मेरे को। हाँ लोकल MEMU जा रही है। वैसे कैसे रीवा तक भी लाइन एक्सटेंड हो रहा है, अगर आप लोगों को बताऊंगा तो ज़रूर देखिएगा, बताऊंगा तो देखना ही पड़ेगा ऑब्वियसली।
तो एक बार ट्रेन पास हो जाए हमारी, ये मेमो बहुत लंबी है यार। तो ठीक है, इतनी लंबी होगी शायद। बाकी गाइस, लाइन एक्सटेंड हो चुका है, भोपाल तक जा रहा है अभी। अगला अपडेट जो आएगा WCR का, उसमें आपको भोपाल मिलेगा, यानी बेस्ट पार्ट बुधनी घाट्स, जो इटारसी होते हुए आपको जाने में, जनशताब्दी एक्सप्रेस जो भोपाल वाली है, वो भी आप लोगों को खेलने का मौका मिलेगा। जैसे एक स्टेशन पास कर रहे हैं हम लोग, आंद्रा स्टेशन। चलो यहाँ से देख लेते हैं, ये अच्छा व्यू अपने लिए। इसके बाद मैं आप लोगों को रेवा लाइन दिखाता हूँ। इटारसी लाइन तो आप लोग ऑलमोस्ट दिखा दिया हूँ, इटारसी स्टेशन भी दिखा दिया है, बाकी बीच का बनना बाकी है। वो एक्चुअली है, लेकिन ओनर जब अपडेट करता है तो वो लाइन को हटा देता है ताकि आप लोग के लिए सरप्राइज़ रहे। बाकी देखिए, हमारी गाड़ी इस समय यहाँ पर है और हमें यहाँ से होते 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 हुए जाना है अपना अगला स्टेशन मैहर, फिर यहाँ से होते हुए हम लोग पहुँचेंगे इधर सतना, जो कि 1 घंटे में हमें पहुँचने का इस लाइन में। और गाइस देखिए, पहले रूट यहाँ तक था, अभी देखिए ये एक्सटेंड हो चुका है टिल रेवा। यहाँ पे आपको रेवा लाइन मिलेगा और रूट तो इनिशियली यहीं से स्टार्ट होता है, आपने देखा ही था। ये लाइन जाएगा अलाहाबाद की तरफ, ये भी फ्यूचर अपडेट्स में आने वाला है। और ये देखो, कईमा तक पहले लाइन बना हुआ था, अभी इसको उन्होंने रेवा तक खींच लिया है। और रेवा स्टेशन देखिएगा, इस ये रहा रेवा टर्मिनल, और ये लाइन भी ज्वाइन करना है, एक्चुअली ज्वाइंड है लेकिन अपने लिए फ़िलहाल उन्होंने हटा दिया है इसको। तो भाई देखिए, रेवा, फिर ऐसा होते हम लोग सतना भी आएंगे, तो भाई धमाल मज़ा आएगा। सामने से ट्रेन आ रही है कोई नहीं, एकदम आराम से सुस्तों की तरह चला रहा हूँ। बिफोर टाइम तो ऑब्वियसली चल रही है, 11 बजे हमें पहुँचना है मैहर पे, 20 मिनट पड़ा होता है 23 किलोमीटर में। बाकी देखो, इतना आराम से चला रहा हूँ तो भी किलोमीटर्स ऑलमोस्ट इक्वल ही रहे हैं इसके। चलो थोड़े डोर व्यू करते हैं, फिर जैसे आप लोग व्यूज़ कहेंगे हम वैसा वैसा करते रहेंगे। हावड़ा शहर के साथ फ्री वे WDM3 आया है, एक LHB ट्रेन को लेके आया है। चलो भाई लोग, अभी गाड़ी को हम फिर से स्पीड अप करने वाले हैं इन नेक्स्ट 10 सेकंड्स। अगर इस वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, 50 लाइक्स पे धमाका पॉइंट है, 50 नहीं तो 75 पे रख दूँगा, 50 तो ऑलमोस्ट नज़दीक होने वाला है। 100 लाइक्स पे भाई धमाका पॉइंट आपको बहुत ही सरप्राइजिंग मिलने वाला है, क्योंकि आज और कल, उसके बाद फिर इस महीने का विनर भी क्लोज हो जाएगा। सो ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गेट द पॉइंट्स। अब तक हम स्पीड अप कर लेते हैं,
इसमें साउंड देखो कितना फ़र्क है और इसमें देखो कितना फ़र्क है। विंडोज़ 11 महान हो गया। बट ठीक है, एक दो एरर के वजह से मैं अपना वापस विंडोज़ 10 नहीं करूँगा, क्योंकि विंडोज़ 11 वैसे ही मज़ेदार है। 1 AC में थोड़ी ट्रैवल करते हैं अपन लोग। बाहर कहाँ देखते हैं, यहाँ पे आप लोगों को सामने ताजमहल भी दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया गया है। इंजॉय दी हाई स्पीड, हुए कुछ ज़्यादा ही स्पीड ले लिया गाड़ी ने फिर से। माल गाड़ी जा रही भाई, माल गाड़ी, छोटी सी चुन्नू मुन्नू गाड़ी। ओके, सो IBS का भी नया बस मॉड का मैंने फोटोज देखा है, बहुत ही मस्त मॉड बनाया है। सुपर लाइटिंग्स है, 1.42 वर्जन, बस मल्टीप्लेयर का हमें ट्रायल करना बाकी है इसका। आज देखते हैं, अगर टाइम मिला तो हम SHD बस यानी मर्सिडीज़ बस यानी SHD बाय IBS, उसका भी हम लोग ट्रायल रन कर लेंगे। ओके, लाइक द वीडियो गाइस, लाइक द वीडियो, थमा का पॉइंट आएगा। थोड़ा देर लोकोमोटिव करता हो भाई, सामने से एक और ट्रेन आ रही है। कौन है ये? WDP 4, एक नंबर भाई, ब्लू ब्लीड। भादनपुर स्टेशन पे अभी हम क्रॉस करने वाले हैं। सोच रहा हूँ हाई स्पीड क्रॉसिंग करूँ, तो जिस ही आउटर सिग्नल क्रॉस करेंगे हम स्पीड गिर के, ताकि हम हाई स्पीड में स्टेशन क्रॉसिंग करेंगे। सो गाइस, मैहर तक 50 लाइक्स होंगे, जल्दी बताइएगा मैहर अपने को। और 15 मिनट पड़ा मैक्स। चलो भाई, आउटर सिग्नल ऑलमोस्ट क्रॉस हो रहा है और अभी हम स्पीड अप करते हैं। कामायानी एक्सप्रेस। और हाई स्पीड क्रॉस करेंगे हम लोग, 110 के स्पीड से करूँगा अप्रॉक्स, 110-115, क्योंकि गाड़ी को बीच में स्लो भी तो कर रहा हूँ यार। बैंग ऑन टाइम चल रही है, 14 किलोमीटर्स एंड अप्रॉक्स 13 मिनट्स इजीली कवर हो जाएगा। सो भादनपुर से गाड़ी क्रॉस हो रही है हाई स्पीड रन लेते हुए। और मेरे पैसेंजर एक्टिविटीज़ भी आएंगे इसमें, हम लोग वो भी खेलेंगे,
रेवा पैसेंजर जो है भोपाल इटारसी रेवा पैसेंजर आई थिंक सो है, उसमें भी बहुत मज़ा आएगा खेलने में। तो उसमें ए टू बी वाले भी कुछ कुछ आपको रूट्स मिल सकते हैं। आपको याद रहेगा हमने एक ने यहाँ पे एक शंटिंग एक्टिविटी भी खेला था बिरला वाला। ये देखिए यहाँ पे वैग 7 लोकोमोटिव भी पार्कड है, एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ कोचिस है, SLR इनफैक्ट देखा जाए तो एक MEMU ट्रेन भी है, दिस इज़ बिरला। तो अभी हमारी ट्रेन यहाँ से पास ऑन होते गई है। ये आ गया WDM3 हावड़ा वाले भाई साहब, फिर से काफ़ी लंबी ट्रेन है वो भी गाड़ी हावड़ा वाली। ऑलमोस्ट इतना ही स्पीड लिमिट हमें चलने को कहा गया था तो स्लो ही चला रहे हैं। मोर 37 मिनट्स फॉर सतना स्टेशन। ठीक है, ट्रायल रन भी होने वाला है SHD का। ओके 1500 900 1.3 1 to 1.42 E9 आना 1500। ओके एक 900 का बस बताए, 1500 का बस बताए, उनसे पूछ लेता हूँ। सो गाइस आप लोग को जल्दी मिलने वाला है, इनफैक्ट कल से ही मिलने वाला है SHD मर्सिडीज बेंज का बस बाय IBS। अच्छा बस है वैसे देखा जाए तो। और हम कितना लाइक पे पहुँचे हैं, 25। ओके मोर 25 टू गो फॉर मैहर। अक्षर भाई OP टॉप पॉइंट्स में गाइस काफ़ी बढ़िया है। इस बार अपूर्व भाई और जयदीप में कंपटीशन है, बट ठीक है दोनों में डिफरेंस काफ़ी है, मेरे पॉइंट्स भी अलॉट होने बाकी है। और आज सेकेंड लाइव जो होगा शाम को, उससे पहले मेंबर्स लोग को उनके पॉइंट्स अलॉट हो जाएंगे। सो ऑल दी मेंबर्स ऑफ दिस चैनल, आप सभी को आज शाम तक पॉइंट्स मिल जाएंगे जितने भी मिलने चाहिए, उसका अलग से कैलकुलेशन रखा है मैंने, बट डोंट वरी अच्छा ही पॉइंट्स मिलने वाला है मेम्बरशिप के।
चलो भी टू एसी में करते हैं, वैसे टू टायर थ्री टायर में इतना फ़र्क नहीं इस गेम के अंदर, बट लेट्स डू अ टू एसी जर्नी। अगला एआई देख लेते हैं क्योंकि एआई ट्रेन का भी बहुत ही अलग मज़ा है अपने को इस गेम में। तो अगला एआई को तो टाइम है भाई, और मैहर पे ही हम लोग पहुँच रहे हैं, ऑलमोस्ट आउटर पहुँच रहे हैं। अरे इनफैक्ट हाँ टाइम है अभी अपने को, 7 मिनट पड़ा और 4 किलोमीटर भाई, गाड़ी बिफोर रन हो रही है, बट ठीक है दैट्स नॉट एन इश्यू फॉर मी। तो अगला एयर ट्रेन तो हमें पता नहीं, हाँ मैहर मेघर से हम लोग रुकेंगे और ये भाई साहब पहले आगे जाएंगे, तो मैहर पे भी हमें अलग से मज़ा मिलने वाला है। तो अभी थ्रॉटल देखिए मतलब नहीं है क्योंकि गाड़ी बिफोर टाइम भी रन हो रही है, 6 मिनट पड़ा है हमारे पास और 3 किलोमीटर बाकी है, और स्पीड लिमिट भी नहीं है कि गाड़ी को स्लो करना है, तो मैहर पे गाड़ी एकदम परफेक्ट टाइम पे पहुंच जाएगी। तो बस का भी देखते हैं भाई, आई एम एक्साइटेड टू ड्राइव दैट बस। ठीक है ऑलमोस्ट आउटर सिग्नल हम क्रॉस करने वाले हैं मैहर का, ब्रेक्स लगा लेता हूँ। और अपनी गाड़ी मैहर एंट्री करने वाली है इन नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स। और गाड़ी ऑलमोस्ट 5 मिनट पड़ा है अभी भी हमारे पास, एंड इट्स 1 किलोमीटर, तो समझ लो 4 मिनट बिफोर गाड़ी पहुंच रही है। ओहो एक नंबर भाई, ट्रैक चेंज हो रहा है। हेलो अक्षत भाई, वेलकम, स्वागत है। अक्षत भाई कब फ्री हो बता देना, बस के साथ मल्टीप्ले खेलना है यार, मज़ा आता है अपने को बहुत। आज तो फ्री बस के साथ मल्टीप्ले खेलेंगे शाम को 5 बजे, और कल पेवेर बस के साथ हम लोग खेलने वाले हैं 8400 वॉल्वो बाय किंग ड्रिफ्ट। आप लोग के यहाँ पे वो बसेस आपने कॉमन देखे होंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बस है वो, बहुत मज़ा आएगा स्ट्रेस में, बहुत मज़ेदार बस है वो, एनिमेटेड डोर्स भी है, LED डिस्प्ले भी है। तो भाई हमारी गाड़ी पहुंच गई है मैहर स्टेशन पे, रवाना होने का टाइम है 11:02। गेम को एक बार सेव कर लेते हैं ताकि कुछ पंगा होए तो भाई हम लोग फिर से कंटिन्यू ना करें।
चलो भाई, जिसे उतरना उतर जाओ, आपको रुकना रुक जाओ, उतरना उतर जाओ। गाड़ी 3 मिनट एटलीस्ट रुकेगी, 3 भी नहीं 5 मिनट रुकेगी यार। 11:57 हुआ है, सॉरी 10:57 हुआ है, 11:02 पे निकलना। तब तक इसे एयर ट्रैफिक का देखते क्या होता है। पश्चिम मध्य रेलवे मैहर स्टेशन आप सभी यात्रियों का हार्दिक स्वागत करती है। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे मैहर स्टेशन वेलकम यू। पश्चिम मध्य रेलवे मैहर स्टेशन आप सभी यात्रियों का हार्दिक स्वागत। थोड़ा आगे लेना पड़ेगा गाड़ी को लगता है, मैहर स्टेशन पहले ही रुक दिया। पश्चिम मध्य रेलवे मैहर स्टेशन आप सभी यात्रियों का हार्दिक स्वागत करती है। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। अनाउंसमेंट तो बहुत भारी था। कभी भी नहीं साउंड में धोखा देता, ऐसा लगता है कि ट्रेन आ रही है। हेलो साहिल ब्रो, वेलकम। बाकी गाइस, इस गेम का सेल चालू हो चुका है, जिसे भी लेना है ले लो। ETS 2 का भी सेल चालू है, ग्रैब दी ऑफर गाइस। जा 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 जा, रुक जा रुक जा रुक जा। ठीक है, गाड़ी तो समय पे आ चुकी है, बिफोर आई है इनफैक्ट। 11:02 पे रवाना होना है। तो गाइस देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है सिनेरियो मेकर को, इसमें उन्हें सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। ओ सीवुड्स ग्रैंड सेंट्रल, वो एक नंबर भाई, 50K का है, बाप रे बाप, इतना महंगा। नहीं देखा तो महंगा ही है इतना में। तो भाई अपनी गाड़ी इधर रुकी हुई है, आगे देखते हैं आगे कौन सी ट्रैफिक है हमारे लिए। और 11:02 पे ये भाई साहब निकल गया। गाड़ी का नाम क्या है वैसे? मैहर क्रॉस। इस वीडियो पसंद है लाइक कर लेना। शाम को 5-5:30 के बीच में, शायद 5 का घंटे तो नहीं, 5:15-5:30 के बीच में ज़रूर आएंगे हम लोग विथ ETS 2 बस मॉड। फ्रीवेयर बस है, लिंक मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ज़रूर चेक कर लेना भाई, बस डाउनलोड कर लेना जो जो वो बस के साथ आना चाहेगा। इस बहुत ही ब्यूटीफुल बस है, फ्रीवेयर भी है लेकिन फॉरेन है। और मापा मैप में खेलेंगे, मैं 100 पॉल बता रहा हूँ, या 100 पॉल जैसे भी आप लोग बोले, वहाँ पे आना है, वहाँ का बस डिपो या सुपर है। तो इनमें हमारा नेक्स्ट स्टेशन है ही सतना। सिग्नल भी हो चुका है हमारा, अरे तो भी 50K भी महंगा ही है रे बाबा। PS5 पब्लिक बोलता है और सस्ता होना चाहिए, जैसे अपना ग्राफिक कार्ड का कैसा है, 85 में मिला, इसमें मिला, उसमें मिला, महंगा ही है। 1660 कहाँ, मैंने 19 में लिया था और भी उसी का रेट 35-40 हो गया नॉर्मल का, सुपर का तो भाई बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, वेट फॉर ए सिग्नल, सिग्नल हो चुका है हमारा, लेट्स डिपार्ट। चलो भाई ट्रेन में चढ़ जाओ, गाड़ी निकल रही है। 35 किलोमीटर्स मोर टू गो फॉर सतना। झंडा ऐसा दिखाना चाहिए, टॉर्च दिखाना चाहिए, बट गाइस WDP 3A में टॉर्च फीचर भी है, आपने देखा होगा मेरे वीडियो में। हम ऐसा टॉर्च को साइड में रखे ग्रीन लाइट जलाते हैं, ऐसा वेव करते हुए जाते हैं। यस, ट्रेन डिपार्टेड, बोलना मत तुम रह गए हो, चाय बेच रहे थे।
सो गाइस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इस रूट का अपडेट भी आने वाला है, कुछ महीने में आ सकता है आई बिलीव, या शायद दिवाली, आई एम नॉट श्योर, दिवाली तक आएगा नहीं, लेकिन कुछ महीनों में आ सकता है। भोपाल बनेगा उसमें, इटारसी तो मैंने आप लोगों को दिखाया है, रेवा भी ऑलरेडी आप देख चुके हैं, बन चुका है, बस लाइन ज्वाइन करना है। फिर धीरे धीरे गाइस ये पूरा WCR कवर करेगा, अलाहाबाद भी जाएगा, बहुत धमाल वाला रूट बनने वाला है। और ट्रेन भी देखो कितनी बड़ी है अपनी, रेल कॉम्पोजिशन के हिसाब से बनाया उन्होंने, स्वाधीन भाई ने। मैक्सिमम स्पीड लिमिट इज 80 to 85 अप टू सतना, ठीक है, ज़्यादा स्पीड नहीं करना है। तो 80-85 के लिए हमें थ्रॉटल 65 तक ही देना पड़ेगा, उसके ऊपर जाके मतलब नहीं है। नहीं सर, ब्रो अकोला खांडवा डिलीट इसलिए किया गया था क्योंकि trainsim.com पे अवेलेबल है वो, आप अकोला खांडवा डाल दो या फिर प्रतीक जगताप जी का नाम डाल दो, ऐसे भी उनका ओरिजिनल रूट MS-30 में बहुत पुराना है, नागपुर भुसावल रूट आप लोगों को याद रहेगा। विदर्भ रूट जो था वो उन्हीं का था, परीक्षित जता प्रतीक परीक्षित जगताप नाम है, उन्होंने ही अकोला खांडवा रूट बनाया, लेकिन एक्चुअली थोड़ा अपने भारत स्ट्रीम के एड ऑन के साथ कुछ बोलते हैं ना, ओवरराइट हो रहा है, ग्लिच हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने ऐप से हटाया, लेकिन स्टिल अ पार्ट ऑफ भारत स्ट्रीम, क्योंकि उस रूट में आपको सिग्नल्स और प्लेटफॉर्म यानी बहुत सारी चीज़ें आपको भारत स्ट्रीम के लगेंगे, सिग्नल, ट्रैक वर्क, ऑब्जेक्ट्स। अकोला खांडवा रूट भी खेलना है मुझे, लेकिन अपडेट का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, नहीं तो हम लोग उसको एज इट इज़ भी खेल लेंगे, सुपर रूट है वो भी। गाइस द बेस्ट पार्ट, फ्री वेयर भी है, बस आप लोग को भारतीय रेल सिम का सेट होना चाहिए, जो कि आपको फ्यूचर में लेना ही पड़ेगा इन शॉर्ट, क्योंकि उनका रूट भी जल्दी आने वाला है सिकंदराबाद वाला। ये देखो भाई, बातों बातों में फिर गाड़ी को हमने स्पीड अप कर दिया, तो 30-40 के ऊपर नहीं जाने देते हम, यानी 40 से ज़्यादा टोटल नहीं देंगे। सो एनीवेज, हाफ एन आवर मोर टू गो टू रीच सतना। तब तक देखते हैं अपना व्हाट्सएप। कितना, 1 घंटा तो हो चुका ना, 1 घंटा ही है, सपने में 1 घंटा ऑलमोस्ट हो गया लाइव स्ट्रीम किए। सिर्फ गाड़ी को हमें इतने ही स्पीड पे बोला 80-85, तो भाई उतने स्पीड पे ही चलाएंगे। इसी व्यू से देखे तो भाई ऐसा दिखेगा, बीच में ट्रैफिक कितने मिल रहे हैं अपने को, टोटल 59 ट्रैफिक थे, तो उसमें से हमें काफ़ी ट्रैफिक मिल चुके हैं दमो से, और अभी हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच ही रहे हैं सतना की ओर। ये देखो ये भाई साहब जा रहे हैं, जो मैहर पे हमें मिले थे, अभी या तो इस पोर्टल पे जाके गायब हो जाएंगे या तो रुके रहेंगे हमारे लिए ओवरटेकिंग के लिए। तो फिलहाल हमें अभी तक एक AI ट्रेन मिल रहा है इधर बीच में, और दूसरा भी है, ठीक है, फिलहाल 2 AI ट्रैफिक हमें दिख रहे हैं, यानी सामने क्रॉस करेंगे, 3 हो गए हैं,
समझ लो 4 या 5 बाकी ट्रेनें हमारे लिए। तुम लोकल्स में ही ट्रैवल कर रहे हो ना? आई नो, लोकल पैसेंजर्स में कर लो ट्रैवल भाई, घर के पास में स्टेशन है भाई, अंदर से जाओ, बोरीवली चढ़ जाओ गाड़ी में या वसई जाओ, वसई और नज़दीक है तुम्हारे लिए। चलो उस गाड़ी का देखते हैं जो आगे गई थी हमारे, वो भाई साहब पोर्टल में जाते हैं या रुकते हैं? तो ये तो भाई साहब मेरे ख्याल से पोर्टल में ही जाएंगे, कैसे भाई साहब पोर्टल में जाके गायब हो जाएंगे, क्योंकि देखो ट्रैक यहाँ का दिखा रहा है, तो उन छेरिया पे ये भाई साहब आके गायब हो जाएगा। देखो गायब, लाइन हमारे लिए क्लियर हो गया। थोड़ा स्पीड अप कर लेता हूँ यार, गाड़ी बहुत स्लो चल रही है। बाकी हम लोग फुल स्पीड में चलाते तो बोलते ना, उन दोनों ट्रेन का हम लोग को पैरेलल रन मिल जाता, न्यू जैसे लेफ्ट में होता है हम लोग को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, हम तुरंत स्पीड से उसे ओवरटेक करके जा सकते हैं, तो पैरेलल रन दिखेगा और अचानक गायब हो जाएगा। पर ठीक है, मुझे पता था वो नहीं हो पाएगा, थोड़ा स्पीड अप कर लेते हैं। इंस्टा पे मैसेज चेक कर लो यार, आप लोग इंस्टाग्राम पे भी कुछ लोग के मैसेज आते हैं। एक कौन है भाई? दैट्स गुड। इंस्टा पे भी आज काफ़ी मैसेज आए हैं, ठीक है, ज़्यादा बस को लेकर ही आए हैं, तो हम लोग 5 साढ़े 5 के बीच में ही खेलने वाले हैं। ओके सो गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, 50 लाइक्स, वैसे एम था मैहर तक, तो सतना तक एटलीस्ट 50 हो जाए। नहीं, 2% एटलीस्ट हो गया होगा, एटलीस्ट मैंने तो 2% कर लिया है। कल रात को मैंने बस डिपो भाई इतने धमाल वाले भेजे, मैं तुम्हें फ़ोटो भेज देता हूँ यार, सुपर बस डिपोज है, वही बस डिपोज को मैं ढूंढ रहा था। मैं तुम्हें व्हाट्सएप करता हूँ, पर तुम देखो आज का बस का भी फ़ोटोज़ देखो और बस डिपो भी देखो, भाई धमाल है। मैं इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, तो इसलिए आज और कल हम लोग यही बस और डिपो में जाएंगे। बस ठीक है, कल चेंज हो जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला, आज तो फ्रीवेयर वाला बस रहेंगे। बाकी देखा है तो मापा नहीं, यानी मापा तो बोलते हैं उसको मापा मैप, बट इट्स EAA मैप, EAA 6.3 वर्जन मैप। चलो भाई, उछने रहा स्टेशन से हमारी ट्रेन पास होने, भेज देना। अरे भेज दिया,
आईबीएस बार रिलीज़ करने वाले हैं वॉल्वो बस पैक, यस साहिल ब्रो, और रिलीज़ करने वाले आज ही उन्होंने ग्रुप्स में अनाउंस किया, और मुझे कल रात को ही उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था कि हमें मल्टीप्लेयर ट्रायल करना है, तो आज शायद हम लोग मल्टीप्लेयर ट्रायल करने वाले हैं। हाँ, स्पीडेक्स बाइक कल आएंगे, शायद आज भी आ जाए, उनसे कांटेक्ट करना है क्योंकि ही इज़ आल्सो ईगर टू प्ले दैट, ही इज़ आल्सो वेरी ईगर टू प्ले बस मॉड्स। तो 80-85 के स्पीड से गाड़ी को भगा रहे हैं हम लोग, थोड़ा स्पीड अप पिकअप करना पड़ा अभी, ठीक है। मोर 20 मिनट्स टू गो फॉर सतना, मैं सोचा बिफोर ही गाड़ी को पहुँचाऊँ, यार बहुत स्लो चला के ना थोड़ा अजीब ही लग रहा है। यानी वेबसाइट बोलेगा भाई मैं क्या मजाक हूँ, मैं को देखता हूँ तुमने हॉल किया इस गाड़ी के साथ, इसलिए तुम उसको कोई दूसरे लोकोमोटिव से लगा लेते यार, वेब 7 हो के यार मुझे इतना स्लो स्लो चलना पड़ रहा है, बोलते ना वेबसाइट में तो भाई बोल रहा है, मेरी तो बेइज्जती हो गई। यस यस आई जे ब्रो को एक मज़ा आया रात को, इनफैक्ट रात के 2 बजे तक बातचीत कर रहे थे हम लोग, मे बी वो शायद बिजी भी होंगे अपने लाइव में, लेकिन उनका भी रिप्लाई बीच में आ रहा था, वो बोले अरे भाई मस्त मैप है बस डिपो सुबह, तो मैंने उनको अपने प्लान बताया कि हम लोग साओ पॉलो पे मिलेंगे एंड वहाँ से हम लोग बस लेंगे, गाइस बस डिपो भी सुपर है, बस टर्मिनल कहूँ इनफैक्ट, टोल लाना पड़ता है, टिकट टोकन लेना पड़ता है आपको बस डिपो में एंट्री करने के लिए बस को, फिर उसके बाद जॉब लो, फिर पार्किंग करो यार सुपर है, और बीच में मेरे को बहुत सारे पार्किंग से एरिया मिले हैं और होटल मिले हैं जिसमें पेट्रोल पंप के एकदम मस्त होटल है, क्या बोलते हैं इंश्योर धमाल मज़ा आएगा। तो इस दैट्स अ मस्त ट्राई मैप यार, EAA वाला जो है मैंने फोटो से तुम्हें भेज दिया है, देख लेना भाई 2 मिनट ले, ठीक तो बोलो 5 मिनट का टाइम आउट दे दूँ तुम्हें ताकि तुम अच्छे से फ़ोटोज़ देखो, बसेस देखो आज कौन से बस चलने वाले हैं, और कल का जो बस है उसका मैंने फ़ोटो एक तरफ से दिया हुआ है 8400 वॉल्वो का। ये भाई साहब हावड़ा ले खड़े हैं, अभी पता नहीं ये गाड़ी हमारे बिफोर चल रही है, मेरे कैसे बिफोर ही चल रही है, गाड़ी को आराम से चलाते क्योंकि शायद हम लोग बिफोर हो रहे हैं, तभी ये AI ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। कहता हूँ 2-3 चेन पुलिन डाल देने का इसमें तब मज़ा है, ये आया बाबर ब्रो ने सर्विस किया था ये पता है, अच्छा ऐसा था क्या, मम्मी के पास तो मम्मी बोलती हो कि भाई क्या है ये बसों के फ़ोटो भेज रहे हैं, डिपो के फोटो भेज रहे हैं। हाँ भाई अब यहाँ पे थोड़ा सीनरी वर्क भी बाकी है मेरे को लग रहा है, गाड़ी कहाँ पहुँची है, इधर एक स्टेशन
बस एक स्टेशन क्रॉस करेंगे और अपना अगला स्टेशन सतना आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी एयर ट्रैफिक है, और ये भाई साहब देखो अभी हिले हैं, तो यानी हम समझो 2 मिनट बिफोर रन कर रहे हैं, तो थोड़ा स्लो करें ताकि ये भाई साहब भी हमें मिले। एंड उसके बाद तो हम डायरेक्ट सतना ही पहुँचने वाले हैं भाई। ये रहा अपना सतना स्टेशन, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग रेवा भी जाएंगे। हाँ सतना का ट्रैक देखो भाई कहाँ पे स्विच किया है। ओके ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3, ठीक है प्लेटफॉर्म 3 पे ही हम लोग। आराम से गाड़ी चलाएंगे, पहले ही बहुत बिफोर रन हो रहे हैं। इट्स 11:19 इन द गेम, 13 किलोमीटर्स मोर टू गो, यानी 11:32 को ही पहुंच जाएंगे अगर यही स्पीड से चलूं तो। एस्टिमेट बता था 11:34 अगर हम स्पीड लिमिट को भी ध्यान में रखें तो, क्योंकि आगे स्पीड लिमिट मिलने वाला है हमें। सो ठीक है आई विल ट्राई टू रीच माई 11:35, 2 मिनट पहले पहुंचने में क्या हर्ज है यार, क्योंकि आगे कोई एयर ट्रैफिक हमें मिलने भी नहीं वाली है। सतना एक बार देख लूँ कोई एयर ट्रैफिक मिल रहा है यहाँ पे हमें, नहीं देखो कोई एयर ट्रैफिक। ओके यहाँ पे की एयर ट्रैफिक है, ये भाई साहब हम मिलेंगे तो 11:37 पे ही पहुँचना पड़ेगा। चलो कैब व्यू करते हैं, और जैसे कि मैंने बताया साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम है विंडोज़ 11 में, ये विंडोज़ 11 के कारण। देखो यहाँ पे साउंड परफेक्ट आ रहा है, और यहाँ पे साउंड देखो गायब हो जाता है, फ्रंट व्यू में थोड़ा गड़बड़ है इस गेम को लेकर इन विंडोज़ 11। थोड़ा स्पीड अप कर लेते हैं, इतना भी सुस्त हो कि इतना नहीं चलाना था मुझे। ठीक है सामने वाली ट्रेन भी चालू हो गई है, चलो मिलते हैं उससे हम इस व्यू से। और ये देखो ये भाई साहब हमें मिल रहे हैं, ये भी निकले हैं स्टेशन से विद WDP4। लागरवा स्टेशन से हमारी गाड़ी पास ऑन हो रही है, इसका अगला स्टेशन है सतना इन नेक्स्ट 11 किलोमीटर्स। फिर 5:15 5:30 को मैं डेफिनेटली मिलूंगा विद ETS2 फ्री बस मोड। लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है गाइस, लिंक बोल डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया हुआ है, उल्टा बोल दिया। बस को डाउनलोड कर लेना, फ्री वेयर बस है, लिंक्स में दिया है, मैप का भी लिंक दिया है, सिर्फ 100 पोलो पे आने का है आपको। और मैप में भी आप लोग चाहिए तो लाइव में बता दूंगा, स्पेन के नीचे एक तरफ से देखा जाए तो आज हम सिटी में जाएंगे, सिटी बाय सिटी बस डिपो जाएंगे, बीच में हमें मिलेंगे बहुत ही चैलेंजेस वाले रोड, यानी इतने भी चैलेंज नहीं है सिटी के अंदर है, बट ट्रैफिक मिलेंगे हमें, प्लस शार्प कर्व वाले रोड मिलेंगे, टोल नाकास मिलेंगे, और ढाबे पे भी हम लोग रुकते रहेंगे या होटल्स में रुकते रहेंगे ताकि आराम भी करें। मैं ट्रेन को इसलिए सोच रहा हूँ देखा जाए तो, ताकि
आखिरी के जो 5 किलोमीटर हैं गाइस, मैं चाहता हूँ मैं एकदम फुल स्पीड में भगाऊँ यार। वो एक बोलते ना पूरे जर्नी में फुल हाई स्पीड तो मैंने किया नहीं, 127 मैक्सिमम भगाया था मुझे यार, 135 किलोमीटर्स के हिसाब से भगाना है, बोलते ना एकदम LHB का जो लिमिट है एक्चुअल में उस पर भगाना है। तो आखिरी का 5 मिनट नहीं, आखिरी का 5 किलोमीटर हम हाई स्पीड भगाएंगे, फिर आखिरी का 2 किलोमीटर पर स्लो कर देंगे, तो 3 किलोमीटर्स हाई स्पीड रन करेंगे हम लोग। सो सेकेंड लास्ट एयर ट्रेन भी चली गई, इसके आगे लास्ट स्टेशन लास्ट एयर ट्रेन हमें मिलेगी सतना पे। चलो एसी में बैठ के आराम करते हैं भाई, अभी हमें कोई एयर ट्रेन नहीं मिलेगा कुछ देर के लिए। अभी फ़िलहाल कोई एयर ट्रेन नहीं मिलेगा, इसका पता नहीं कब मिलेगा, तब तक थोड़ा आराम से एसी के अंदर बैठ के मज़े लो। ओके थैंक यू फॉर द 52 लाइक्स, पैसे में 100 का सोचा था बट ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। और व्हाट्सएप एक्चुअली रिक्वेस्ट बहुत आ रही, मेरा रूट चलाओ, मेरा एक्टिविटी चलाओ, मेरा सिनेरियो चलाओ, तो यस प्लानिंग भी वैसा ही करना था कि जो आप लोग की मेहनत हो रही है वो भी हम दिखाए। ओके तो बस 2 किलोमीटर के बाद भाई गाड़ी को फुल स्पीड करेंगे 3 किलोमीटर तक, तो मेरे ख्याल से हम लोग फिर भी 11:32 पहुँच जाते हैं, 5 मिनट बिफोर पहुँचेंगे, क्योंकि एक्चुअल स्टेशन पहुँचने के लिए 12 मिनट है और 12 मिनट 6 किलोमीटर के लिए भाई यानी समझो बहुत ही स्लो गाड़ी को चलानी पड़ेगी। या मैं तो सोचा हूँ गाड़ी को 2 मिनट कहीं पे स्लो कर दूँ या रोक दूँ। एक बार मैप दिखा दूँ आप लोग को, जिन लोग ने इस मैप को अभी तक देखा नहीं है, स्पार्क्स भी निकला अगर आप चेक करोगे तो गाड़ी को यहाँ पे 2 मिनट रोक लेता हूँ आउटर पे। वैसे भी बिफोर हो रही है तो कभी कभी गाड़ी का आउटर पे भी रोका जाता है कि भाई तू जल्दी आ गया, तेरा लाइन अब तक क्लियर नहीं हुआ है। ओके सो चलो मैं आप लोग को तब तक मैप दिखा देता हूँ, जो नए आए हैं उन लोगों को भी दिखा देते हैं, 5 मिनट अपना यूँ ही निकल जाएगा फिर। सो गाइस अभी फ़िलहाल ये रूट जो है WCR वर्जन 1 वो यहाँ से देखिए, देखो यहाँ पे भी रूट बन रहा है, एक्सटेंशन हो रहे हैं यहाँ पे, आगे भी अगर आप देखोगे तो एक्सटेंशंस हो रहे हैं। ये देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्सटेंशन आप लोगों को दिख रहा होगा, ट्रैक बिछे हुए हैं छोटे छोटे बिछे हुए हैं। एंड दिस इज़ ETRC स्टेशन, यहाँ पे साइड में फ्राइट साइडिंग्स है, ये प्लेटफॉर्म है ETRC का, फिर यहाँ से लेफ्ट भोपाल की तरफ जाती है गाड़ी, ये ETRC शेड, और यहाँ से सीधा जो लाइन जा रहा है ये जाएगा अपने भोपाल बोलो जबलपुर की तरफ, जहाँ पे अभी हमारी ट्रेन चल रही है, या अलाहाबाद की तरफ कहूँगा, अलाहाबाद हावड़ा ये लाइन वो है, ये अपना न्यू दिल्ली निज़ामुद्दीन भोपाल लाइन, इंडोर लाइन भी कह सकते हैं आप लोग। एंड यहाँ से जो लाइन जाती है ये देखिए, ये जाती है नागपुर की तरफ, तो नागपुर की ट्रेन यहाँ से ऐसी आती है, और यहाँ पे आपको भुडनी घाट्स भी मिलेंगे, तो अभी उस पर काम फ़िलहाल चल रहा है, तो भाई कहाँ है हमारा बाकी का मैप। देखा बीच में खाली खाली आते तो खो जाते हैं हम लोग, मिस हो जाता है। तो यहाँ पे अपना जबलपुर है, यहाँ से अभी आप लोग रूट चालू होगा, यहाँ से ट्रेन निकली है हमारी ये स्टेशन से, मदन महल फिर जबलपुर, या फिर आती से जबलपुर से ही स्टार्ट किए हैं, बट आई बिलीव हम लोग ने मदन महल से स्टार्ट किया, फिर जबलपुर होते 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 हम लोग गए कटनी पे, और सॉरी हम लोग कामा नहीं चला, माय मिस्टेक, हम लोग दमोह से चलाए थे, वही मैं बोला हमको जबलपुर कब मिला। सो गाइस दिस इज़ दमोह स्टेशन, हमने ट्रेन यहाँ से निकला था, माय बैड, इस प्लेटफॉर्म से निकला था जो ग्रीन वाला प्लेटफॉर्म दिख रहा है, यहाँ से हमने ट्रेन को निकाला। गाइस देखिए लाइन बीना तक भी एक्सटेंडेड है, बस लाइन और आगे बढ़ना है, तो ये आगे बीना भी बनेगा, फिर भोपाल बीना भी बनेगा, अशोकनगर भी बनेगा, गुना भी बनेगा,
तो आई एम नॉट श्योर यहाँ पे अभी कुछ काम दिखेगा नहीं दिखेगा, नहीं तो यहाँ पे आपको अशोक नगर गुना बीना भी मिल जाएगा। सो एनीवेज मैप मैंने दिखा दिया है, ये अपना इलाहाबाद जाएगा और ये राइट साइड अपना रेवा लाइन जो कि ऑलमोस्ट एक्सटेंड हो चुका है। प्लेटफॉर्म भी रेवा का आपको इधर दिखेगा, साइडिंग भी दिखेगा। चलिए गाड़ी को भगा देते हैं यार, अभी अपनी ट्रेन टाइम पर है। ओ भाई ये एयर ट्रेन भी वापस आ गया, ये सतना पे जो हमें मिलना था, पर ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा नशा है भाई। ये भाई कौन सा नशा था। हाँ अभी दिख रहा है, देखो देखो कॉमेडी देखो गाइस, कॉमेडी देखो, कॉमेडी देखो। वहाँ पे इंजन डिब्बे कुछ नहीं दिख रहे थे, अभी देखो भाई साहब जिंदा हो गए। तो मेरे ख्याल से ये लास्ट एरिया है जो हमें सतना पे मिलनी थी या फिर जो हमें सतना पे एयर ट्रैफिक दिखा था, या क्या पता है पोर्टल से निकले हो, चेक कर लेते हैं जाने के बाद। सो आप लोगों को मैंने पूरा मैप भी दिखा दिया, WCR वर्जन 1/4 गेम वर्ल्ड फॉर ट्रेन सिमुलेटर 2022। और अभी हम ट्रेन को भी सतना आउटर से रवाना करते हैं, उससे पहले देखता हूँ ये एयर ट्रैफिक वो ही थी क्या। अरे भाई एक और है इधर, तो यानी यहाँ से एक AI ट्रेन निकली है, एक AI ट्रेन यहाँ पे भी है जो मेरे से हम लोग के आने पे जाएगी शायद, या पैरेलल रन करेगी 37 पे। सो यस वी स्टिल एक्सपेक्ट वन मोर AI ट्रेन। अभी गाड़ी एकदम परफेक्ट टाइम पर है, 6 किलोमीटर बाकी है और 37 पर पहुँचना है, ठीक 11:37 पर गाड़ी को हम पहुँचा देंगे। अभी हम बिफोर भी नहीं पहुँचेंगे, लेट भी नहीं पहुँचेंगे। इंस्टा पे किस काम से जाया है। ओके ठीक है, उनको बस का लिंक नहीं मिला भाई, वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो यार। तो अभी भी हम लोग रूल्स फॉलो करेंगे स्पीड लिमिट का, 80-85 मैक्सिमम स्पीड। सो आई थिंक 2:40 तक अपना स्ट्रीम भी ख़त्म हो जाएगा, मेरा पीछे पक्का 40 GB का वीडियो बन गया होगा ये वाला। तो भाई स्वागत करो कामा यानी एक्सप्रेस का सतना पे। तो कामा यानी एक्सप्रेस सतना स्टेशन पहुंच रही है, अनाउंसमेंट कर दो, भिंडरा पीट लो मामा, कामा यानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है, बैंग ऑन टाइम। जैसे मैंने कहा 3 किलोमीटर हम लोग हाई स्पीड में रन करेंगे, तो वो टाइम आ चुका है। अभी मैं फुल स्पीड कर रहा हूँ ट्रेन को, फुल स्पीड में अभी गाड़ी भगाई है, और जब तक दो आखिरी के 2 किलोमीटर नहीं रहते हैं। ये
इनफैक्ट 2.5 किलोमीटर बोलना चाहिए, पर ठीक है 2 पे मैं ब्रेक्स मारना चालू कर लूँगा, शायद एंट्री एकदम हाई स्पीड पे होगी, या जब तक वो 135 क्रॉस नहीं होता तब तक हम भगा देंगे, विच एवर इज अर्लियर, या तो 135 या तो आखिरी का 2 किलोमीटर। मैक्सिमम 120 का ही स्पीड ले रही मेरे को जहाँ तक लग रहा है। अभी ब्रेक्स मारने की भी तैयारी करनी है हमें, ये तो मालूम पड़ा भाई साहब सतना के बदले कहीं और रुक गया। एक लास्ट व्यू हाई स्पीड में फिर ब्रेक्स मारना चालू करते हैं। ब्रेक्स मारना चालू कर लिया हमें क्योंकि सतना ऑलमोस्ट आउट ऑफ सिग्नल क्रॉस हो रहा है। यस 50 का स्पीड लिमिट आ चुका है तो गाड़ी बैंग ऑन टाइम पहुंची है। सही आएगा देखो भाई, अभी तक उधर ही खड़ा है। ओके सो आवर ट्रेन हैज रीच सतना स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3, स्पीड लिमिट 25 का आ गया, हाई वोल्टेज साउंड, प्लेटफॉर्म इधर है। ट्विन वैग 7 बारबी डॉल मिलिट्री ट्रेन, ये फ्राइट का भी देखते हैं क्योंकि ये AI ट्रेन दिखाया गया है तो मेरे ख्याल से ये भाई साहब भी चलेंगे आगे जाके। और देखो ये भाई साहब भी चालू हो गए तो भी मेरे ख्याल से 38-39 पे शायद ये ट्रेन भी चालू हो जाएगी। सो लेट्स वेट फॉर हिम, बैंग ऑन टाइम 37 पे गाड़ी रुक जाएगी। सो विद दिस वी कम्प्लीटेड कामायनी एक्सप्रेस इन पार्ट 3। ये भाई साहब क्या देखो साउंड की वजह से मालूम ही नहीं पड़ता ट्रेन पीछे से आ रही है।
this a nice station? So anyways guys, take care, stay safe and see you soon. और सब पे टिक मार्क आया लकीली भाई, ऐसे मेरा सक्सेस आना चाहिए. इस पर मार्कर नहीं था पर ठीक है, मार्कर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं. लास्ट स्टेशन था. चलो ये भाई साहब को चले गए, इंतज़ार करते हैं अभी डीजल वाले का. मेरे को लगता है ये भी शायद चलेगा, ये ट्रैफिक दिखा है तो भाई मूविंग होने चाहिए. बस अजम्पशन कर रहा हूँ, क्या पता है भाई साहब यहीं पे खड़े हो. सिग्नल देख लेते हैं. ओके सिग्नल ग्रीन है तो यस, मेरा अंदाज़ा सही था. ये भाई साहब भी चलेंगे, चले चले चले. चगिंग का साउंड आया. ज़्यादा कीड़े कांडे नहीं करेंगे. बाय बाय, शाम को मिलते हैं. यस 5:30 के आसपास, 5:15 5:30 के बीच में डेफिनेटली. और बस का मॉड जिसे डाउनलोड करने कर लो, मैप भी डाउनलोड कर लेना. लिंक्स मैंने सभी चीज़ का दिया है, लिंक्स पढ़ के डाउनलोड करो. वो फालतू कमेंट्स मत भेजो या व्हाट्सएप करो भाई 10-10 लिंक है कौन सा डाउनलोड करो. भाई लिंक के आगे लिखा होता है या लिंक के ऊपर लिखा होता है वो कौन सा लिंक है. गेम डाउनलोड करना है तो डाउनलोड वाला लिंक करो, बस डाउनलोड करना तो बस वाला लिंक लो. ऐसा थोड़ी कि 10 लिंक क्या एकदम मैंने कॉपी पेस्ट किया और कौन सा लिंक किसका मेंशन है, कौन सा लिंक किस चीज़ का है, हर चीज़ मेंशन किया हुआ है. थोड़ा एफर्ट्स डालो भाई, प्रयास करो. सो एनीवेज गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, सी यू सून. वेल डन, यू हैव कंप्लीटेड द सिनेरियो सक्सेसफुली. ऊपर लिखा भी आ गया. ये सपन भी रेस करेंगे, अपना DSLR भी रेस करेगा. आवाज भी देखो डल हो गई है.